बैक टू राइज टू राइड। दोस्तों अभी मेरे पीछे जो R15 V3 खड़ी है, ये वर्ल्ड की सबसे कंफर्टेबल R15 V3 कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है जो कि इसे वर्ल्ड की सबसे कंफर्टेबल R15 V3 बना देता है। तो चलिए आपको एक बार क्लोज व्यू से दिखलाता हूँ क्या क्या इसमें मैंने मॉडिफाई करवाया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए पिलियन सीट को, तो पिलियन सीट का लेंथ काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, जो कि पहले ऑलमोस्ट इस साइज की होती है वो अब इंक्रीज होकर इतना हो चुका है। इसका कंफर्ट और कुशनिंग दोनों बढ़ चुका है, चौड़ाई भी बढ़ चुका है, तो ये प्रॉपर एक पिलियन के लिए बैठने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका है। वहीं पे अगर बात करें राइडर की, तो यहाँ पे भी हमने इसे कुशनिंग करवाया है और ये भी अब कंफर्टेबल हो गया है, और इस कुशनिंग के कारण राइडिंग पोस्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है और काफ़ी कम्फर्टेबल है। और इस पूरे मॉडिफिकेशन में मुझे मात्र खर्च करने पड़े 350 रुपीज़। तो इसका मॉडिफिकेशन कैसे करवाया मैंने, इसका एक वीडियो अभी इसमें अटैच कर देता हूँ, तो उसको देखिए। और बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। और इसके बाद जब यहाँ पर टॉप बॉक्स लग जाता है तो बैक रेस्ट भी हो जाता है, बैक रेस्ट का ही काम करता है। तो टॉप बॉक्स लगने के बाद ये वर्ल्ड की सबसे कम्फर्टेबल R15 हो जाती है। इससे अभी जस्ट मैंने अपने 6 मंथ की बेटी और वाइफ के साथ पूर्णिया से दार्जिलिंग राइड किया, जो कि लगभग 550 किलोमीटर की राइड थी। बट इस पूरे राइड में हमें कहीं भी परेशानी नहीं हुई, काफ़ी कंफर्टेबल राइड रहा, खासकर पिलियन का कोई भी कंप्लेन मुझे सुनने को नहीं मिला। दोस्तों अभी इस वीडियो के साथ मैं वॉइस ओवर भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, जब भी कभी आप अपने R15 के सीट की मॉडिफिकेशन करवाएं तो उसमें आपको सहूलियत मिले। दोस्तों सबसे पहले हम रियर सीट के लेंथ पे काम करेंगे और इसके लेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने इस फोम का इस्तेमाल किया, जो कि 3 इंच की फोम है, और इसे ग्लू के सहारे कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे और अच्छे से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसे कट करके एक अच्छा सा शेप दे देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे, बैठने में भी कम्फर्टेबल हो और फिट एंड फिनिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसे चल के देख लेते हैं कि फिट एंड फिनिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इसके लगाने के कारण, क्योंकि आगे में इसका स्क्रू होता है जो आसानी से लग जाना चाहिए। दोस्तों हमने लगा के देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पीछे से भी इसके लेंथ को कुछ बढ़ाया जाएगा, तो इस तरह से सेम फोम से हम पीछे के लेंथ को भी बढ़ाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि पीछे का जो फोम है वो 1 इंच का है और आगे 3 इंच का इस्तेमाल हमने किया था। तो कुछ इस तरह से हमने जो ग्रैब स्ट्रिप होता है उसे भी निकाल लिया ताकि वो नीचे ना रह जाए। और उसके बाद हम इसके टॉप पर काम करेंगे। टॉप पे हमने सॉफ्ट फोम का इस्तेमाल किया है और उसे भी ग्लू के सहारे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्लू के सहारे जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए ग्लू को सीट में और फोम में लगा के छोड़ देना है, उसके बाद हमें पेस्ट करना है। इससे क्या है कि अच्छा एक बॉन्डिंग मिलता है। तो इसके बाद जब ये पेस्ट हो जाए अच्छे से तो इसको एक कट दे देंगे। अभी हमारा जो नया सीट का शेप है उसके हिसाब से इसे कट कर देंगे तो ये एक अच्छे शेप में आ जाएगा और एक फाइनल शेप हमें मिल जाएगा। दोस्तों जब तक रियर सीट सूखती है, जब तक अच्छे से उसमें पेस्ट होता है, तब तक हम फ्रंट सीट पे काम कर लेते हैं। फ्रंट सीट के लेंथ को हमें इंक्रीज नहीं करना है, बस इसके टॉप पे थोड़ी कुशनिंग को बढ़ाना है। इसके लिए हम अगेन 1 इंच का सॉफ्ट फोम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे ग्लू से हमने चिपका लिया है और इसे अब कट करके एक अच्छा सा शेप दे देते हैं। इसके बाद हम रैक्सिन का काम करेंगे दोनों ही सीट पे, और रैक्सिन के काम के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टिच की भी काम जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसे टेलर के देखरेख में ही आप इसके जो कट होगा वो करें और स्टिच जो है वो करवाना है। तो कुछ इस तरह से हमने जो स्टिच था वो करवा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से बिल्कुल कंपनी फिटेड की तरह से इसमें हमने पिन से पिनअप करवा दिया है। तो इसके बाद ये देखिएगा आप, बिल्कुल परफेक्ट एक अच्छा सा लुक आने वाला है हमारे रियर सीट का। और ये देखिए एक अच्छा सा शेप आ गया है। अब थोड़ा सा जो साइड में बचा है उसे भी हम पिनअप कर देंगे, और उसके बाद जो पिनअप हो जाती है उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रैक्सिन है उसे कैंची के सहायता से हम काट लेंगे, तो एक अच्छा सा शेप फाइनली मिल जाएगा। और हमने जो स्ट्रिप खोला था उसी स्ट्रिप को फिर से लगा देंगे यहाँ पे, तो ये स्ट्रिप भी लग गया है। और आगे सामने जो स्क्रू होता है उसके लिए एक होल बनाना पड़ेगा, तो कैंची की मदद से उसमें भी होल बना लेंगे ताकि जो रियर सीट है उसे फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके बाद आप देखिए ये फ्रंट सीट है और इसका भी हमने कुशनिंग का काम कर लिया और ये बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। अब दोस्तों हम रियर सीट को फिट कर रहे हैं स्क्रू के सहारे और ये बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। ये देखिए
हमारी बाइक की दोनों सीट लग चुकी है और काफ़ी परफेक्टली लगा है। दोस्तों अगर आप पूर्णिया से हैं और यहीं पे मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, इनका जो एड्रेस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूँ कि सुशांत सिंह राजपूत चौक के बिल्कुल बगल में इनका दुकान है, जहाँ पर आप सीट मॉडिफिकेशन का काम करवा सकते हैं किसी भी तरह का।